Hello everyone. So my name is Agni Mitraman, as you all know. And guys, basically I teach logical reasoning. आप लोगों को पता होगा कि मैं logical reasoning पढ़ाता हूँ. और आज हमारा जो question होने वाला है वो sitting arrangement और grid based problems पे होगा. तो देखो, point क्या है इस class का, मतलब इस class का जब point क्या है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को. Point ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद मैक्सिमम बच्चों का सेटिंग अरेंजमेंट को लेके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाए. मतलब ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में डाउट ही रहे और वो आई वुड से कि वो फर्दर उनको समझ में ना आए कि कैसे करना है सर, फिर भी डाउट. अच्छा, उससे कुछ पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं कुछ आप लोगों को शो करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. सो गाइस, जो पॉइंट है वो ये है कि मैं आप लोगों को बेसिकली क्या शो करना चाहता हूँ, वो ये है कि एज क्लोजर टू एसिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन. तो थोड़ा ही दूर हो, 20% ऑफ है अनअकैडमी क्लैट सब्सक्रिप्शन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 9 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 39,200 रुपये में मिल रहा है. आइकॉनिक 9 महीने का 67,835 में मिल रहा है. कुछ नहीं करना है आप, कुछ ज़्यादा नहीं करना है. बस एक मेरा सिंपल सा लॉजिकल सा कोड है AMA10, इसी को तो यूज़ करना है. ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी को यूज़ करना है. एंड मैं आपको बेनिफिट कराता हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये ऑफ़र वैलिड है कब तक, 14 तारीख तक. भैया यूज़ करिए और ये कोड अप्लाई करिए, 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है. हमने कई सारे टॉपर्स प्रोड्यूस किए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. दूसरी बात यह है कि हमारे कई सारे मॉक टेस्ट फ्री चल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे 7 तारीख को एक हो चुका है, 9 तारीख को एक हो चुका है, 11 तारीख को भी है, एक है, एक 15 को है, एक 16 को है, एक 23 को है और एक 30 को है. तो ये सारे के सारे मॉक जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं. कुछ प्लस मॉक भी हैं, कुछ फ्री मॉक भी हैं. तो मैं तो बोलूँगा कि आपको बिल्कुल इन मॉक्स को देखना चाहिए. दूसरी बात, हमारा बैच है, जैसे एक बहुत अच्छा बैच है जिसका मैंने नाम दिया हुआ है एस लीगल बैच. ये बिगनर्स बैच है क्लैट 25 के लिए, दोनों ही लैंग भाषाओं में है ये मौजूद, 6 अप्रैल से शुरू है. द वॉरियर्स बैच है आपके पास जो कि आपको दिख रहा होगा, चाहें तो इसको भी एनरोल कर सकते हैं. ये दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, 13 तारीख से लाइव हो चुका है. MHCET क्रैक करना है तो 15 दिन का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप मात्र 999 रुपये में. तो आप ये भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है. टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन ये स्टोर पे, हर जगह के लिए कोड आप अप्लाई कर सकते हो AMA10, क्योंकि मेरे ख्याल में बढ़िया है. फिर हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चंस के डिस्कशन को समझते हुए और उसे करते हुए बेसिकली. तो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट और ग्रिड पे. तो मैं कुछ सवाल दूंगा आपको, सवाल के जरिए बताता हूँ. हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे से, वो ये हो सकता है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनिशियली क्या करना होता है सिटिंग अरेंजमेंट. मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको. देखिए, पहली बात तो सिटिंग अरेंजमेंट एक इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ ए अरेंजमेंट. ठीक है, एक तरह का अरेंजमेंट होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं. मतलब किस तरीके से, मानो कोई, कुछ लोग हैं जो सर्कल में बैठते हैं, हम लोग बना बना के पक चुके हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्वायर में बैठना पसंद करते हैं, बना बना के थक चुके हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो एनी मिसलिनियस फिगर फॉर एग्जांपल ऐसे बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, वो ऐसे बैठना पसंद करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब ये अरेंजमेंट नहीं है, ये सेटिंग, ठीक है, मतलब कैसे बैठ रहे हो. अच्छा, अगर कुछ लोग सर्कल की तरह बैठ रहे हैं तो उनका दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सेंटर की तरफ पोजीशन करेंगे या तो सेंटर के बाहर की तरफ पोजीशन करेंगे, मतलब या तो बाहर की तरफ पोजीशन करेंगे. मैं एक बात तो यहाँ से कह सकता हूँ कि बच्चों को ना 2-3 चीज़ों में बड़ा डाउट होता है, मतलब बड़ा डाउट होता है. बोलोगे सर क्या, उनको ना ये लेफ्ट लाइट राइट का बड़ा पंगा है. तो देखो, कुछ नहीं करना है, आप नोट करो अमन मंत्र, आप ये अमन मंत्रा नोट कर लो गुरुजी, आपको कोई डाउट नहीं होगा. जैसे आप एक लाइन सर्किल बनाओ, ठीक है, एक लाइन खींचो, फिर उसको क्रॉस करो. ऊपर वाली लाइन कहलाती है नॉर्थ, उसके नीचे में साउथ,
राइट वाली ईस्ट और लेफ्ट वाली वेस्ट कहला जाती है। अच्छा अब आप दिमाग लगाइए, जो बंदा सेंटर को फेस करके बैठा होगा तो उसका जो राइट हैंड है वो ये कहलाएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो ये कहलाएगा, तो उसका राइट लेफ्ट बदल जाएगा। अच्छा जो बंदा बाहर करके बैठा होगा, मतलब यू नो ही वुड नॉट फेसिंग द सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ही इज फेसिंग द सेंटर, बेसिकली ही इज फेसिंग द सेंटर एंड ही इज आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, तो अभी आउटसाइड कर रहा है, तो जो इसका राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा और जो इसका लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, टॉपिक अपने आप में बहुत ही आसान है, आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है जो आप बना सकते हैं। देखिए पी क्यू आर एस टी आर फाइव कॉर्नर्स ऑफ ए टेबल विथ फाइव साइड्स, सबसे बड़ा इसमें पंगा है कि आपको पांच साइड्स बनाना है, तो चार तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है चार तो स्क्वायर बन जाता है, अब आपने बनाना है पांच, तो पांच कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं, ठीक है लेट्स हैव। तो मैंने पहले एक बना दिया, फिर दो बना दिया, फिर तीन। अच्छा क्योंकि ये क्लोज फिगर बनेगा ना, तो देखो दिमाग लगाओ, ये तो एक क्लोज फिगर बनेगा, ये अगर ये क्लोज फिगर बनेगा तो ये क्लोज फिगर बन गया, उसके बाद ये हो गया चार और ये हो गया पांच, क्या ये पांच, क्योंकि पांच साइड्स हो गए, जहां पे कुछ लोग कॉर्नर्स पे बैठ रहे हैं, तो बेसिकली पी देन क्यू देन आर देन एस देन टी, ये कॉर्नर्स पे हैं, तो इसको लिख सकते हो आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो, दैट पी क्यू आर एस टी जो है पी क्यू आर एस और टी जो है ये आपके कॉर्नर पे हैं, ठीक है। फिर आप ये सोचो कि ए देन बी देन सी देन डी और जो ई है ये आपके अलोंग द साइड, अलोंग द साइड, इतनी सारी चीजें तो आपको दी गई, कुछ कॉर्नर पे हैं कुछ अलोंग द साइड है, ठीक है कुछ कॉर्नर पे हैं कुछ अलोंग द साइड। अब हमें देखना पड़ेगा, नीदर पी क्यू आर एस टी नॉर ए बी सी डी आर नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो भैया ये तो हर बार बोलेगा कि कुछ ऑर्डर में नहीं है। चेयर ए इज अलॉन्ग द साइड ज्वाइनिंग द कॉर्नर पी एंड आर, इमेजिन करो कि कोई भी बंदा पी और आर किसी भी पोजिशन पर रख सकता है, तो अगर मैं पी यहाँ पर रखता हूँ सपोज करो, तो मैं आर यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक, अगर ऐसा करता हूँ तो ए इनके साइड में बैठ रहा है तो ए यहाँ बैठेगा, है ना, ए यहाँ बैठेगा, जस्ट सी द रीड द पॉइंट्स। Now, chair is along the side joining the P and R. S is to the immediate right of P. तो मतलब right कौन सा पार्ट हुआ? अभी मैंने आपको बताया था, उसका मतलब ये हो गया S. And R is between P and T. अब R है P और T के बीच में, इसका मतलब T यहाँ पर आ जाएगा। सब कुछ क्लियर। Chair B is along the side Q and T. Chair B is along the side Q and T. तो can I say that Q would be at this point? Q यहाँ हो जाएगा। क्यू एन टी। चेयर डी एन ई आर नेक्स्ट टू बी, अब बी कहाँ रखेंगे आप? तो देखिए आप यहाँ पे बी रख सकते हैं, आप यहाँ पे तो बी, चेयर बी इज अलोंग द साइड क्यू एन टी, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, चलो फाइन सर। चेयर डी एंड ई आर नेक्स्ट टू बी ऑन ईदर साइड, तो या तो देखो बी के नेक्स्ट में तो ये भी हो सकता है, या तो डी और ई ये हो सकता है, या तो डी और ई ये हो सकता है, बेसिकली आई थिंक यही बनेगा, द कॉर्नर दैट ज्वाइन द साइड वेयर द सी इज प्लेस्ड आर, जहां पे सी प्लेस्ड है। अब सी तो सर आपको दिख नहीं रहा है, कहां पे है सी बताओ, द कॉर्नर दैट, क्योंकि आपने ए रख दिया, आपने बी रख दिया, डी और ई आपने वहां रख दिया, इसका मतलब सी के लिए एक पोजिशन यहां है, तो क्या बनेगा, द कॉर्नर That join the side where the chair C is placed. That would be P and S ना? क्योंकि यही तो कॉर्नर है, क्योंकि क्या यही कॉर्नर है? अब देखो एग्जैक्टली सर,
यही कॉर्नर है, और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा पी और ये रहा एस, पी एस। तो इतना आसान ये क्वेश्चन था, अगर आप चाहते तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बना सकते, ये मैं आपको बोलूँ, ठीक है। इसी बुनियाद पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो एक और सवाल है, अगेन अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप हमारा कोड जरूर यूज करिए जो कि है AMIT। अब ये सवाल है, सिक्स फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच ए वे दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कुछ इक्वी डिस्टेंस है ईच अदर। कुनाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर्क, अब नहीं पता है कौन कहाँ बैठ रहा है, बट ये सर्कल है और इक्वी डिस्टेंस अब कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर कुछ दिया नहीं हुआ है तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, मैंने बना दिया, और छह लोग हैं तो मैं छह लोग बनाऊंगा, तो एक एक मैं यहाँ कर दूंगा, एक मैं यहाँ कर दूंगा, तीन चार, या आप ऐसे ना बना के थोड़ा सुंदर लगने के लिए इन सारी चीजों को डिलीट कर दो। आप इनको उल्टे तरीके से सोचो, ये खुद ब खुद आपके सामने बन के आएगा, एक दो तीन चार पांच छ, ये सारे लोग ना सेंटर की तरफ है सीधा। अब कुणाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया, आलिया अगर यहां बैठती है, देखो आलिया यहां पे बैठती है, तो कुणाल को मैं यहां भी बिठा सकता हूं। अब यहां पे एक पॉइंट है, इमीजिएटली तो लिखा नहीं हुआ है सर। एंड ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत, अभी नहीं कह सकता आरती और जसमीत कहाँ बैठे। साफी इज अपोजिट टू द जसमीत, अब देखो एक पॉइंट है, या तो तुम जसमीत यहाँ कर दो तो ध्रुव, या तो ध्रुव यहाँ कर दो, या तो जसमीत यहाँ कर दो या तो ध्रुव यहाँ कर दो, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा दैट ध्रुव ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत, ध्रुव बैठा है आरती और जसमीत पर, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आरती और जसमीत बोला है, आप यहाँ पे आरती कर लीजिए, आरती और आरती, तो निश्चित तौर पे ध्रुव यहाँ पे बैठेगा क्योंकि और तो कोई पोजीशन है। चलो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, साफी इज अपोजिट टू द जसमीत, अब देखो अगर जसमीत यहाँ पे बैठेगी तो आलिया यहाँ बैठ चुकी है, उसके अपोजिट में है नहीं, लेकिन अगर जसमीत यहाँ बैठती है, सपोज करो कि अगर जसमीत यहाँ बैठती है, मतलब मैं जसमीत को यहाँ बिठाई देता हूँ, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, अगर मैं जसमीत को यहाँ बिठा देता तो निश्चित तौर पे साफी यहाँ बैठने वाली, और यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आपकी आरती बैठ जाएगी, आज सब कुछ बैठ गए। हु इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड कुणाल, तो ये रही आरती और ये रही कुणाल, उनके बीच में बैठ रही है साफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के आंसर कर सकते हैं। मैंने दो फिगर्स कराए आपको यहाँ पे, एक आपका था सर्कुलर, एक आपका था रैंडम फिगर, जैसे रैंडमली मैंने आपको बना के दिखाया ना, तो एक कुछ रैंडम फिगर था, एक आपको मैंने सर्कुलर कराया। इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत कायदे से बनेंगे अगर आप बहुत सही से बनाएंगे तो, निश्चित तौर पे आप इसको बहुत अच्छे से ट्राई करिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये है, देखो मैंने सारे प्रॉब्लम आपको कराए हैं, दैट पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, अब भैया ये रो में बैठ रहे हैं, रो में बैठ रहे हैं तो कुछ ऐसे सीधा बैठ रहे, ये सीधा, क्या सही लाइन बनाया मैंने, पी इज फोर टू द राइट ऑफ टी, कुछ पता नहीं है सर, पी इज फोर टू द राइट ऑफ टी, ठीक है। अगर आप टी यहां रखते हो, सपोज करो टी अगर आप यहाँ रखते हो, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो मतलब अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये आपका राइट हो जाता है, ये आपका लेफ्ट हो जाता है, ये मत भूलिए। या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये आपका राइट हो जाता है और ये आपका लेफ्ट हो जाता है, ये मत भूलिए। पी इज फोर टू द राइट ऑफ टी, अब ये फोर्थ बोल रहा है, ठीक है, एक दो तीन चार, तो पी हो गया भैया चौथे नंबर पे, ठीक है। चलिए S is 4 to the left of Q. S is 4 to the left. अब कहीं कुछ पता नहीं है, अगर मैं Q यहाँ रखता हूँ तो S फोर्थ में, एक दो तीन चार, तो S यहाँ है। सर ऐसा दिमाग कैसे काम कर रहा है, रैंडमली गलत हो सकता है, सीखेंगे कैसे, गलत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली ना। R and U which are both, R and U which are both at the ends are neighbors of Q and T. तो मतलब ये तो तय है कि R and
आर एंड यू जो है वो एक्सट्रीम पे है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो टी का नेबर कौन है? पक्का पक्का टी का नेबर यू है, बिकॉज टी यहां आएगा यू से, टी का नेबर यू है। इसका मतलब आर के बगल में क्यू बैठेगा, इसका मतलब ये पॉइंट मेरे को बिल्कुल सही मिल रहा है। इसका मतलब मैं इस पॉइंट को लिखने से पहले, जो कि कॉन्फर्मेशन नहीं है, मैं इस पॉइंट को जरूर लिखूंगा और यहां से मेरा एस बैठ जाएगा। मैं आपको इसको एक बार फिर से करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। एस इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू इमीडिएट है लेफ्ट ऑफ पी के, तो डब्ल्यू ऑफकोर्स यहां बैठेगा। एंड पी इज नेबर ऑफ क्यू, हो गया, एक बच गया सर ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरे ख्याल 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब एक पोजीशन रह गया, हो गया बी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मिस्टेक आप करते, थोड़ा सा पजल होते तो आपको ये समझ में नहीं आता। कुछ ऐसा तरीका है सर जिसको हम इससे समझ सकते हैं, उसके बाद आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर वन क्या है कि आप इस पॉइंट को लिखिए, पी इज फोर टू द राइट ऑफ टी। अगर आप पी इज फोर टू द राइट, अगर आप टी यहां पर रखते हैं तो पी रखेंगे 1 2 3 4, तो पी आप यहां पर रखेंगे चौथे नंबर से रख दिया। अब इस लाइन को मत पढ़ो, देखो तुमने टी रख दिया है और टी के बगल में आ रहा है यू, तो यू आ गया। अब आर के बगल में तो क्यू आएगा ही, तो अगर तुम आर यहां रखते हो तो निश्चित तौर पे तुम क्यू यहां रखोगे। अब क्यू अगर तुम यहां रखे तो चौथे नंबर पे तो एस बैठेगा ही बैठेगा। पी के बगल में पहले बोला है कि डब्ल्यू बैठ रहा है, एक लास्ट जगह खाली रह गया जो वी की पोजिशन को पुट ऑन करेगा, तो वी तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। सिंपल वे में यह तुम्हारा रो बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है? आशा करता हूं कि ये तुम्हें, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ। हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, देखो सारे वैरायटीज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ, और शायद तुम लोग को समझ में भी आ रहा हो, सब कुछ लगभग मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर सब कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, या ये बन सकता है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि भैया फेस तो नॉर्थ कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो पहले बात तो मुझे एक गोला बनाना पड़ेगा, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे लोग सर सेंटर की तरफ अपना फेस करके बैठे। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, सबसे पहला पॉइंट है P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अगर मैं T को यहां रखता हूं तो सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P इज सेकेंड राइट ऑफ T के, तो मतलब P यहां बैठ जाएगा, क्लियर है? ओके, अब P के बारे में कुछ तो है नहीं। B इज नेबर ऑफ U, कुछ पता नहीं है सर, B नेबर है U का, कहाँ बैठेगा नहीं पता। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U इज राइट ऑफ S। अब सबसे बड़ा कनेक्शन है तुम्हारे, कैसे देखोगे तुम? सपोज करो कि अगर तुम हिट एंड ट्रायल करके क्यू यहां बिठाते हो, अब अगर तुमने क्यू बिठा दिया तो क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, तो ऐसे भी नहीं आ सकता, ऐसे भी नहीं आ सकता, ठीक है, ऐसे भी नहीं आ सकता। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, यू आर एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो क्या मैं यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है तो मतलब कोई नहीं है, क्या मैं यू और एस को यहाँ लिख सकता हूँ? फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, यू इज राइट ऑफ एस, और सर राइट में भी है, चल रहा है, ओके यहाँ तक तो ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना, इतना तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। एस इज नॉट बिटवीन पी, एस इज नॉट द नेम, एस जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो एस निश्चित तौर पे, एस तुमने बिठा दिया है तो तुम क्या आर यहाँ बिठा सकते हो? आर के बारे में कुछ बोला नहीं है, नेबर ऑफ बी है, हाँ हो गया, बी और बी तुम यहाँ बिठा दो, इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लाइन में बोला है दैट पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज नेबर ऑफ आर एंड बी, पूछा क्या है, हु इज एडजेसेंट टू बी, बी के एडजेसेंट में कौन है, तो बी के एडजेसेंट में दो लोग हैं, या तो यू है या तो टी है, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहा है।
देखो ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स और सारे कैटेगरीज को कवर किया हुआ है, मतलब सब कुछ कवर किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आप ये तीन प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो और आपको समझ में आता है आइडिया कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स एनफ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एनफ है, ठीक है, दैट्स क्वाइट गुड फॉर यू। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस गाइस, अगेन सेइंग, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि समझ में आए कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही हैं। बिकॉज मैं आपको हमेशा ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हमेशा ये पसंद आता होगा। थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से वो देख लेते हैं कि हमारा जो है मॉक टेस्ट कब है। आइए देखते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट कब है। देखिए पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि आप MHCT को मात्र 15 दिनों में क्रैक कर सकते हो, ये मैंने आपसे कहा ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 999 रुपये। ठीक है, बहुत जल्दी मैं कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी शुरू करने वाला हूँ, तो वो भी आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, आप चाहें तो वॉरियर्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, 13 तारीख से शुरू होगा। इसमें हमारे कैटेगरी के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। ये तो खुद का मेरा है, आप मेरे से इतना क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स है कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आप यहाँ पे भी मेरा कोड लगा सकते हो, AMA10। ठीक है, दूसरी बात है कि क्लैट अनदर 5 ईयर LLB का मॉक टेस्ट चला रहे हैं हम लोग। 7 तारीख को मॉक हो चुका है, 9 तारीख को हो चुका है मॉक, कल भी है, फ्री मॉक है ऑल इंडिया MHCT का, जाके दीजिए और कोड लगाइए ना AMA10, मजा आएगा। फिर 15 तारीख को भी होगा, एनरोल करिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, घर बैठे, गर्मी बहुत है, घर बैठे तैयारी करो हमारे साथ 39,200 रुपये में, मात्र 9 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन। वेट किस बात की है यार, क्यों वेट कर रहे हो इतना, फटाफट यूज करो हमारा कोड AMA10। एंड आई होप दैट यू गाइज आर हैविंग फन। आप चाहें तो आइकॉनिक भी यूज कर सकते हैं, और हमारे साथ जैसे हमने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हम इस बार भी प्रोड्यूस करेंगे, और इसी तरीके से दैट विल हेल्प यू ऑल्सो। सो आई होप यू रियली एंजॉयड द क्लास। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।